हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताऊंगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने सारे कलेक्ट किए हैं, प्लस डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर जो कि एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा बनाए जाते हैं उनके क्वेश्चन पेपर के, जैसे मिड टर्म क्वेश्चन पेपर या फिर जो टेस्ट होते हैं पीरियोडिक टेस्ट वगैरह, उन सबके क्वेश्चन पेपर को मिला के मैंने सारे क्वेश्चन को रिसर्च करके बनाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, बाय कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, वाई? स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म सी फोर प्लस कैटायन एंड सी फोर नेगेटिव एनायन। ठीक है, ये क्वेश्चन तीन फॉर्म में आ सकता है और इसका आंसर आपको एनसीईआरटी बुक में मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ सबके जो क्वेश्चन के आंसर्स होंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा जैसे पेज नंबर 59 पेज पे, जो ये दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर होंगे और साथ में ये लाइन यहाँ तक एलिमेंट तक। और जिन जिन स्टूडेंट्स के पास जो किसी और बोर्ड से हैं या फिर उनके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो इस वीडियो में यहाँ पर पॉज करके देख सकती हैं आंसर्स को। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस हैं, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर ये दो पॉइंट्स होंगे। ठीक है, आगे है अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनकी डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल्स प्लस इनकी प्रॉपर्टीज, जैसे कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रिएक्टिव कौन होता है, जैसे अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड्स हैं उनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है, और जो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स हैं उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, इनके डिफरेंस प्लस एग्जांपल तो प्लीज कर लीजिए सभी की। आगे क्वेश्चन है, कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट रीजन, या फिर इस क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जा सकता है, लिस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ सी विच वेन पुट टुगेदर गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, कार्बन से लेकर कैटेनेशन तक ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है और सेकंड प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी, ये आपको यहाँ से लेकर एलिमेंट तक हो जाएगा आपका, दो पॉइंट बन जाएंगे, दो प्रॉपर्टीज हैं और दोनों के आंसर ये दो पॉइंट्स ही होंगे। और अगला क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज एंड एग्जाम्पल, होमोलोगस सीरीज क्या होती है और उसकी एग्जाम्पल, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको इस पेज पे मिल जाएगा 66 पेज पे, यहां से सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शन ग्रुप सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, और एग्जाम्पल। ठीक है, ये आप कर लीजिए, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज पे। ठीक है, पेज नंबर 66 पे इसका आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसकी एग्जाम्पल ये कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का, या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का जो आपका है वो आपको 65 पेज पे मिल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला और स्ट्रक्चर ये भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आने के चांस होते हैं, 100% आने के चांस होते हैं, कि राइट द नेम ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड दिया होता है इसका नाम लिखना होता है, या फिर नाम दिया होता है इसे ये दिया गया है इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप ये मैंने एग्जांपल दी हैं, आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कीजिएगा एनसीईआरटी से, बैक एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो ब्लू वाले होते हैं वो सभी, और आपके पास कोई रेफरेंस बुक है एक्स्ट्रा बुक है तो आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज यू कैन। ठीक है, स्ट्रक्चर से नेम लिखना होता है या फिर नेम से स्ट्रक्चर लिखना होता है, बनाना होता है। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इनकी प्रैक्टिस भी आप कर लीजिएगा, मेरी एक वीडियो है, आप अगर आपको नहीं आती हैं तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो सॉल्ट एग्जांपल जितने भी एनसीईआरटी के हैं, मिथेन, एसीटोन, प्रोपिनल और जो भी एग्जांपल्स हैं, इंडेक्स क्वेश्चन जितने, बस आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल जो सॉल्ट है एनसीईआरटी, बैक एक्सरसाइज और इंडेक्स क्वेश्चन जो ब्लू में होते हैं, ठीक है, उनसे बस आप इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कर लीजिए, वही काफ़ी है। ठीक है, तो आगे डिफाइन कंबर्शन रिएक्शन क्या होती है, उसकी एग्जांपल या फिर क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, इस टॉपिक में से ही, व्हाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव क्लीन फ्लेम व्हाइल अनसैचुरेटेड डज नॉट गिव क्लीन फ्लेम और से गिव ब्लैक स्मोक। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 69 पे, यहाँ पर पैराग्राफ में, यहाँ लिमिटिंग सप्लाई से लेकर आप अगले पेज तक कर सकते हैं, इस पैरा में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ईजिली। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल, इसकी अभी रिएक्शन पक्का लर्न कर लीजिए, इसमें आपके तीन चार क्वेश्चन बन जाएंगे जिसका आंसर ये रिएक्शन ही होगा, जिसके क्वेश्चन होगा
इसको कंप्लीट करना होगा, यहाँ तक दी होगी रिएक्शन आपको कंप्लीट करना होगा, मतलब ये चीज़ लिखनी होगी ये वाली, या फिर कहा ये चीज़ नहीं दी गई होगी ये चीज़ आपको लिखनी होगी, ठीक है। या फिर आपको ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, गिव द रिएक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है वाई द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। यू कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो। तो आप ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर करके जाइए, इसके तीन चार क्वेश्चन बन सकते हैं और ये काफ़ी बार आई हुई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगला जो क्वेश्चन है एडिशन रिएक्शन पे आ सकता है, उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कौन सी है, ठीक है। ये रिएक्शन बन जाती है अनसैचुरेटर टू सैचुरेटर कन्वर्जन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट जैसे निकल, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट की एग्जांपल ही कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक है। इथेनॉल और इथेनोइक की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सारी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, ये भी आपको एनसीईआरटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये, ठीक है। और अगले पेज पे स्पोनिफिकेशन रिएक्शन मिल जाएगी आपको, ये देखिए यहाँ पर ऊपर। आगे है माइसिल्स सोप्स एंड डिटर्जेंट की डिफरेंस, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है ये वाला, सोप डज नॉट फॉर्म लेदर विद हार्ड वाटर वाई, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस ये वाले हैं, ये बार बार पेपर्स में आए हुए हैं, मैंने दो तीन के आगे लिखा है, बट ये सारे क्वेश्चंस ही आए हुए हैं। तो आप इनसे इन्हें प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, इन्हें कर लीजिए अच्छी तरह से। एंड अगली वीडियोज़ में मैं आपको और भी चैप्टर्स की ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, सारी क्वेश्चन पेपर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के एनालाइज करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और मैं अगली वीडियो होप बनाती हूँ कि इनकी जो डिवीजन है मार्क्स की चैप्टर्स की पेपर में कैसे कितनी आएगी वो उसके बारे में, ठीक है। होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़ दैट आई अपलोड वेरी सून। थैंक यू।